धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चाय पी के फ्रेश हो गए? फ्रेश हो गया। हाँ, फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन जो हम लोग ब्रेक में जाने का पहले सुन रहे थे और जो सीख रहे थे, उससे कुछ समझ में आया? हाँ, आया? आया। अच्छा, आप लोगों को, अच्छा अच्छा, क्या आप लोगों को फादर ने बोला मेरे से बात नहीं करने? नहीं बोला। बोला क्या? नहीं बोला। नहीं बोला है ना? नहीं बोला। सिस्टर ने बोला क्या? खाली उसके साथ गाना गाओ, मेरा साथ ये सिस्टर के साथ बात नहीं करना। नहीं बोला क्या? नहीं बोला। तो मना नहीं किया ना बात करने? नहीं मना। तो भालूपोंग के लोग बात कर सकते हैं मेरे से? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अभी इतने समय से हम लोग विश्वास के बारे में सुन रहे थे, है कि नहीं? है ना, विश्वास के बारे में। तो एक एक सवाल पूछती हूँ आप लोग से, क्या आप लोग को प्रभु यीशु पर विश्वास है? जी हाँ, विश्वास है। विश्वास है, है ना? और विश्वास है, इसी के लिए आप लोग आज इधर आए, या इसलिए इधर आए कि आज यहाँ चाय मिलने वाला था? किस लिए आए? प्रभु यीशु में विश्वास है। प्रभु यीशु में विश्वास है, इसी के लिए इधर आए, है ना? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप लोग विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जवाब देता है? विश्वास करते हैं। हाँ, देता है। हालेलुया। तो चलिए हम लोग एक साथ आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे विश्वास से, ठीक है? विश्वास से सब कोई आंखों को बंद करेंगे और साथ में एक साथ बोलेंगे, स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें नाम लेकर यहाँ पे बुलाया है। इस जगह में मेरा होना, इस जगह में मेरा होना आपका योजना, आपका योजना के अनुसार है, के अनुसार है। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, आज तक हम विश्वास तो कर रहे थे, हम विश्वास तो कर रहे थे, लेकिन हमारा विश्वास, लेकिन हमारा विश्वास हिल जाता था, हिल जाता था। आज हम इस क्लास में आए हैं, आज हम इस क्लास में आए हैं आपसे सीखने के लिए, आपसे सीखने के लिए, आपके वचनों के द्वारा सीखने के लिए, आपके वचनों के द्वारा सीखने के लिए कि विश्वास कैसे करना है, कि विश्वास कैसे करना है, और कैसा विश्वास, और कैसा विश्वास आपको प्रसन्न करता है, आपको प्रसन्न करता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इस क्लास में जो हमें सीखने हम सीखने वाले हैं, इस क्लास में जो हम सीखने वाले हैं, जो आप हमें सिखाने वाले हैं, जो आप हमें सिखाने वाले हैं, उसको समझने के लिए, उसको समझने के लिए हमारा समझ, हमारा समझ, हमारा मन, हमारा मन, हमारा कान, हमारा कान, और हमारा दिल, और हमारा दिल, सबको खोल दे, सबको खोल दे, और इस शिक्षा को, और इस शिक्षा को बिल्कुल आसान बना दे, बिल्कुल आसान बना दे, ताकि हम इसे सीख कर, ताकि हम इसे सीख कर, इसे सुनकर, इसे सुनकर अपना रोज का जीवन में, अपना रोज के जीवन में प्रैक्टिस कर सके, प्रैक्टिस कर सके, और इस्तेमाल कर सके, इस्तेमाल कर सके। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अभी अभी जो हम लोगों ने प्रार्थना किया है उसका उत्तर मिल गया है? जरा हाथ खड़ा करो, अभी पता चलेगा आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते। एक बहन ने हाथ खड़ा किया, दो, तीन, चार। अभी अभी हम लोग जो प्रार्थना किया प्रभु ने उस प्रार्थना को सुन लिया है, ऐसा कितना लोग विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करो। हालेलुया। जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, या तो वो विश्वास नहीं करते, या तो उनके पास हाथ नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छा, हम एक एक वचन देखेंगे बाइबल में से, ठीक है? हम लोग सब कोई परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, है कि नहीं? जी। कोई ऐसा है जो परमेश्वर को नाराज करना चाहता है? नहीं। गलती से भी नहीं, नहीं। है ना? इसीलिए अगर कुछ गलती भी हो जाता है
भूल हो जाता है तो हम लोग क्षमा मांगता है प्रभु से कि प्रभु इसके लिए क्षमा करना, है ना। ओके, हम लोग देखेंगे इब्रानी का पत्र 11वां चैप्टर, इट्स इन द न्यू टेस्टमेंट, हिब्रूज या इब्रानी चैप्टर 11 वर्स नंबर 6। ब्रदर आप पढ़ते हैं क्या हिंदी? हाँ पढ़ते हैं। बाइबल दे दीजिएगा उनको। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उन लोगों का कल्याण करता है जो उसी की खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। किसी को समझ में आया? किसी को समझ में आया? किसी ने सुना भी नहीं, है ना? राजधानी एक्सप्रेस के जैसे चले गई सिस्टर, चुक चुक, है ना? हालेलुया। तो हम लोग जब भी वचन को पढ़ता है, हम लोगों को वचन को धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक शब्द सुनना है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वचन में ऐसा रहस्य है जो प्रभु हम लोगों को सिखाना चाहता है। और अगर इस रहस्य को समझेंगे नहीं तो हमारा जीवन में परिवर्तन, मतलब हम लोग का जीवन में सुधार या बदलाव आएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे वचन को बोलना, ठीक है? हालेलुया। ओके, और विश्वास बिना, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। असंभव है किसका बिना? विश्वास, विश्वास विश्वास का बिना किसको प्रसन्न करना असंभव है? प्रभु को, प्रभु ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो ऐसा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लीव इट सिस्टर, लीव इट, आई विल रीड। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार हम लोग परमेश्वर के पास आता तो है, लेकिन कभी कभी, जस्ट ब्रिंग द चेयर हियर, हियर, थैंक यू। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग का प्रार्थना डर से भरा रहता है, है ना? है ना, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, हम लोग घुटना टेकते हैं, ऑल्टर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रार्थना में कितना विश्वास भरा रहता है और कितना डर भरा रहता है, ज्यादा कौन सा रहता है? ज्यादा भरा रहता है डर, ज्यादा भरा रहता है शक कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं, है ना? क्या पता अगर पूरा नहीं हुआ, हो सकता है परमेश्वर का मर्जी नहीं होगा, है ना? जब हम लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, उसका जवाब नहीं मिलता है, तो हम लोग तुरंत सोचता है कि हो सकता है ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी मम्मी का कान में कुछ तकलीफ है ना, सुनाई नहीं देता, कम देता है, हुँ? अच्छा, मतलब तकलीफ है। मान लीजिए आप उसकी बेटी है, हाँ, और अगर आपको शरीर में कुछ दर्द है, तकलीफ है, तो क्या आपकी माँ आपको वैसी हालत में छोड़ देगी या आपको कुछ दवाई देगी? दवाई देगी, है ना? तो कोई भी माँ, कोई माँ बाप है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो जो माँ बाप है। हाँ हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। अभी आप माँ बाप लोग के बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे को थोड़ा भी तकलीफ होता है तो क्या आप माँ बाप होने के नाते बच्चे को बोलते हैं तुम वैसी परिस्थिति में वैसी बीमार पड़े रहो, हम तुमको कुछ नहीं देखेंगे, कहते हैं क्या? नहीं। आप क्या करते? आप प्रार्थना करता है, आप बच्चा को संभालता है, बच्चा को अगर तकलीफ है तो उसको दवाई देता है। आप अपना बच्चा को क्या तकलीफ में देख सकता है? नहीं, नहीं देख सकता, है ना? नहीं देख सकता। उसी तरह से
क्या परमेश्वर स्वर्गीय पिता हम लोगों का पिता है? है। क्या आप सब कोई उसके बच्चे हैं? है। बच्चे हैं ना? तो जब आपको तकलीफ होता है, जब आपको शरीर में बीमारी होती है, जब आपका जीवन नष्ट हो रहा है, क्या वो ही पिता परमेश्वर जिसने हम लोगों को बनाया है, क्या वो उसका इच्छा है कि आप बीमार रहें? परमेश्वर आप माता पिता होने का नाते आप अपना बच्चा लोग को परेशान नहीं देख सकता, कष्ट में नहीं देख सकता, तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो तो हम लोग को देख सकता है ना, तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। आप अच्छा माता पिता है कि परमेश्वर अच्छा पिता है? कौन अच्छा पिता है? आप लोग अच्छा पिता है कि परमेश्वर अच्छा पिता है? या माता पिता लोग से गलती होता है लेकिन वो पिता परमेश्वर से गलती होता है? नहीं। तो अच्छा कौन है? स्वर्गीय पिता। तो अगर आप और हम कमजोर होने का बावजूद भी अपना बच्चा को तकलीफ में कभी नहीं देख सकता, उसके लिए मदद करने के लिए आता है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आता है, तो सोचो हम लोग का स्वर्गीय पिता का कितना मर्जी है और कितना इच्छा है कि उसका हर बच्चा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, शक्तिशाली रहे और अपना जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहे। समझ में आ रहा है? तो जब जब आप लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना कर रहा है और आपका जवाब नहीं आया है, आप चंगा नहीं हुआ है, ये कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर का मर्जी नहीं है कि वो आपको चंगा करे। हालेलुया। अगर आप लोगों को परमेश्वर का इच्छा जानना है, परमेश्वर का मर्जी क्या है आपका जीवन के लिए, उसका मर्जी आपको कैसे पता चलता है? अगर आपको आपका फ्यूचर जानना है, अगर आपको ये जानना है कि परमेश्वर का इच्छा मेरे लिए क्या है, परमेश्वर का इच्छा जो आपके लिए है प्रभु ने पहले से बाइबल में लिख के दे दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और ये बात मेरे को नहीं पता था बहुत साल पहले, तो हम अपना जीवन में जो मेरे को तकलीफ था, जो समस्या था, जो परेशानी था, उसको सब मान के चल रहा था हम इतने साल से कि यही मेरा जीवन है और यही परमेश्वर का योजना है मेरे लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो बीमारी, तकलीफ, परेशानी ये सब कौन देता है, कहाँ से आता है? हम लोग अपना सोच विचार से दरवाजा खोलता है शैतान को आकर हमारा जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम जब कभी परमेश्वर का पास आता है तो हम लोगों को कैसे आना है? विश्वास से। बोलो विश्वास से। विश्वास से। विश्वास से। विश्वास से। और विश्वास, विश्वास क्या है? अभी आप लोग यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे आया, क्या आप लोगों को फादर या सिस्टर ने बताया था, कोई अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पे 2 दिन का रिट्रीट होने वाला है? बताया था है ना, आप लोगों ने वो समाचार को सुना कि यहाँ होने वाला है और इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे आया, विश्वास किया फादर के ऊपर, या फिर सोचा ये फादर ऐसी झूठ बोल रहा है? विश्वास किया। विश्वास किया। तो विश्वास का मतलब क्या होता है? बिलीव, बिलीव, बिलीव। यकीन करने का मतलब क्या होता है? यकीन करने का मतलब होता है कि जब आप जो खबर सुनता है वो खबर सुन के जो एक्शन लेता है उसको बोलता है बिलीव, उसको बोलता है यकीन करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे फादर ने आप लोगों को खबर दिया 2 दिन बालूपोंग में रिट्रीट होने वाला है, खबर पहुंचा आपके पास? पहुंचा। तो आप लोग इधर आए है ना, वो खबर को सुना और वो खबर के अनुसार आपने क्या लिया? एक्शन लिया, आपने उस खबर का अनुसार काम किया। अभी कितना लोगों को खबर गया होगा है ना, सब कोई तो नहीं आया
है ना, किसी किसी का काम रहा होगा, किसी किसी ने विश्वास नहीं किया होगा, सोचा होगा अरे बारिश हो रहा है, बारिश का वजह से रिट्रीट कैंसिल हो गया होगा, सोच सकता है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास का मतलब होता है बिलीव, मतलब यकीन कर, मतलब होता है कि जब जब हम कोई शब्द को सुनता है, जब जब हम कोई समाचार या न्यूज को सुनता है और उसके अनुसार जो हम एक्शन लेता है उस पे हमने बिलीव किया, उस पे हमने विश्वास किया, उस पे हमने यकीन किया। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अभी मान लो एक ऐसा खबर, एक उदाहरण देती हूँ, अभी यहाँ पे एक ऐसा न्यूज फैला है कि यहाँ बालूपोंग में, एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा बीमारी फैला है ये जगह में, ये डिस्ट्रिक्ट में, जो 3 साल का नीचे जो बच्चा है उन लोगों को ही ये वायरस, ये बीमारी अटैक कर रहा है। किसको अटैक कर रहा है? 3 साल से नीचे जो बच्चा है उन लोगों को अटैक कर रहा है। तो अभी जो माँ है यहाँ पे, जो पिता है यहाँ पे, अगर आपका घर में 3 साल का बच्चा है या उससे छोटा बच्चा है, तो आपका मन में क्या ख्याल आएगा? घर का अंदर रखना है। अभी आपका मन में क्या ख्याल आएगा? बच्चा को घर में रखना है, है ना, बच्चा को बाहर नहीं भेजना है। तो आपने क्या किया, जो बच्चा बाहर खेल रहा था, जो बच्चा बाहर जा रहा था, उसको पकड़ के क्या किया, घर का अंदर डाल दिया। तो आपका यकीन किस पे हुआ? आपने यकीन किया कि वो बीमारी आपका बच्चा को खराब कर सकता है, इसलिए आपने एक्शन लिया और अपना बच्चा को अपने घर के अंदर में रखा उसका सुरक्षा के लिए। हालेलुया। 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 तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि आप शैतान का बात में भी भरोसा कर सकता है, यकीन कर सकता है, और परमेश्वर का भी बात पे यकीन कर सकता है? हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी अगर 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 संसार आपको बोलता है कि आप तो बेकार है, आपका जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल बुद्धू है, आपका जीवन ऐसे ही बेकार चलता जाएगा, क्या ये बात पर विश्वास करना आसान है? खास करके अगर आपका जीवन में कोई तरक्की नहीं हो रहा है, बार बार लगातार आप हार देख रहे हैं, विश्वास हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। तब तो यहाँ के लोग सब विश्वासी है। हालेलुया। यहाँ के सब लोग वचन में विश्वास करते हैं, है ना, और यहाँ का लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। अगर विश्वास करता है तो जीवन में तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। समस्या है कि नहीं है ब्रदर? विश्वास में कमी होगा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अभी हम लोग एक एक बाइबल में एक ऐसा औरत के बारे में बताया गया है जो बहुत तकलीफ में रही है, ठीक है, और तकलीफ में रहने के बावजूद भी उसका जीवन में कैसे परिवर्तन आया वो हम लोग सीखेंगे, और ये कैसे हुआ, विश्वास के द्वारा। देखिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रार्थना विश्वास से भरा नहीं है, विश्वास का प्रार्थना नहीं है, तो हमारा प्रार्थना में कभी असर नहीं होगा। प्रभु यीशु इतना सारा चमत्कार किया, जगह जगह जाके किया ना, लिखा है बाइबल में, है ना, लेकिन क्या वो अपना खुद का गांव, जो उसका नाजरेत जो गांव था, क्या वहां पे उसने कोई चमत्कार कर सका? नहीं सका। हाँ, नहीं सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वहां पे उसका पावर कम था, दूसरे जगह पावर ज्यादा था, इसलिए क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसके गांव के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसके गांव के लोगों ने जो वो बोल रहा था उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब वो दूसरा गांव गया और जाकर लोगों को सत्य बताया, वे लोग विश्वास करने पे तुरंत आगे आए, और जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह से
आशीष पाया, चंगाई पाया, छुड़ाई पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम लोग, आज और कल जो हम लोग आपके साथ में हैं, हम लोग आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप अपना जीवन में आया कैसा भी समस्या हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आप उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। और जब विश्वास से सामना करते हैं तो 100% गारंटी होता है कि आपका जीवन में रिजल्ट आता है। हालेलुया। ओके, मरकुस का चैप्टर खोलेंगे, आप पढ़ सकते हैं क्या ब्रदर? जस्ट उनको बाइबल दे दीजिए। मरकुस चैप्टर 5। हाँ, पच्चीसवा वर्स से पढ़िए। हाँ, मरकुस चैप्टर 5 वर्स 25 से पढ़िए। एक मिनट, वो पढ़ रहा है। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। फिर से सब कोई ध्यान देके सुनना। एक स्त्री, साथ में बोलिए, 12 दिन से एक मिनट ब्रदर, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, अगर हम लोग जो सीख रहे हैं अगर उसको समझा नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालेलुया, आप सुन रहे हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, फिर से पढ़िए। मार्क ब्रदर, आपको मिल गया? डिड यू फाइंड इट? मार्क, द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, मिल गया? ओके, अभी पढ़िए। एक स्त्री 12 दिनों से एक मिनट, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, और जो कह रहा है उसको बोलना, ठीक है? ध्यान से पढ़िए। एक स्त्री 12 बरस से 12 दिनों से 12 दिन से कि 12 साल क्या लिखा है? 12 साल की 12 दिन 12 साल 12 हफ्ता नहीं लिखा है ना? 12 बरस से 12 साल से पढ़िए। रक्तस्राव मतलब रक्त की बीमारी से पीड़ित थी। अच्छा, अभी एक स्त्री है जो रक्त का बीमारी से कितना साल से पीड़ित है? 12 साल से। 12 दिन से नहीं, 12 महीना से नहीं, 12 घंटे से नहीं, लेकिन 12 साल से, ठीक है? उसके बाद अब बैठ के पढ़िए, नो प्रॉब्लम, बैठ के आराम से बैठ के पढ़िए। अनेक वेदों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। हालेलुया। अभी ये स्त्री जिसको रक्त का बीमारी है, खून का बीमारी है, ये सब तरह का वैद्य का पास में गई, है ना? आप लोग का है यहाँ पे डॉक्टर, हकीम, वैद्य, ऐसा है कि आप लोग हॉस्पिटल जाता है? हॉस्पिटल। अभी ये स्त्री को जो बीमारी है ये 12 साल से भोग रही है, 12 साल से तकलीफ में है, और ये 12 साल में वो सब तरह का वैद्य का पास में गई है, सब तरह का इलाज किया है, और सब तरह का दवाई खाने का बावजूद भी इसका हालत कैसा हुआ? जरा पढ़िए, देखो, सुनो क्या हुआ उसका हालत?
छब्बीस छब्बीस से पढ़ेगा। अनेक 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 वेदों के इलाज के कारण कारण उसे बहुत कष्ट कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी रुको, ये औरत क्या की, अपना सब कुछ जो उसका जमा पूंजी था, जो भी उसका पास में पैसा कौड़ी था, वो क्या किया, सब खर्चा कर दिया अपना इलाज के लिए, सब खर्चा कर दिया अपना इलाज के लिए। लेकिन क्या हुआ, आगे पढ़िए। उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। मतलब उसको कोई फायदा, उसको कोई फायदा, कोई असर नहीं हुआ। वो इतना हकीम के पास गया, पैसा खर्चा किया, सब डूब गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। हालेलुया। कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आप लोगों को, सोचो अगर आपका हालत ऐसा रहेगा तो। आप सब जगह दवा कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, पैसा पूरा खर्चा कर दिया, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा, मन कैसा रहेगा, उदास, मन टूट जाएगा, हाँ, हार मान लेंगे, है ना, हार मान के छोड़ देगा, सोचेगा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, है ना। अभी ये स्त्री को कितना साल से ये बीमारी था, 12 साल से। क्या 12 साल लंबा होता है कि छोटा होता है, बहुत लंबा। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है 12 साल से, क्या होगा उसका हालत, हम लोग 2 मिनट वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, 12 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सोचो 12 साल से किसी का रक्त का बीमारी है, सब वेद पे खर्चा कर दिया, कोई असर नहीं है, उसका हालत क्या हो गया, और ज्यादा खराब, बदतर। अच्छा, फिर उसने ईसा के विषय में सुना था। ये स्त्री किसके विषय में सुना था, ईशो के विषय में। अच्छा, अभी जीसस का टाइम पे, यीशु मसीह का समय में नियम ये था, ऐसा नियम था कि कोई भी स्त्री जिसको, कोई भी औरत जिसको रक्त का बीमारी है, उसको अनक्लीन को क्या बोलते हैं, अशुद्ध माना जाता था। समझ में आ रहा है, जिसको रक्त का बीमारी है, जो कोढ़ी है, ये लोग को अशुद्ध माना जाता था, और ये लोग कहीं भी बाहर नहीं आ सकता, इन लोगों को अपना घर का अंदर में रहना है। अगर कोई उससे जाके छुआ भी उसको, तो वो आदमी भी अशुद्ध हो जाता है। और अगर कोई ऐसा आदमी जिसको ये बीमारी है, कोढ़ी का बीमारी है, या औरत जिसको ये रक्त का बीमारी है, अगर ये औरत ऐसा कहीं भी बाहर पब्लिक में आता है, तो ये नियम है कि ऐसे औरत को आदमी लोग, वहाँ जितने भीड़ में जितने लोग हैं, वो लोग पत्थर मार के उसको ख़त्म करेंगे, ये सजा था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसा कोई सजा है क्या अरुणाचल में, प्रभु को धन्यवाद, बच गए हम। हालेलुया। अच्छा, आगे पढ़िए। उसने ईसा के विषय में सुना था। उसने ईसा के विषय में सुना था, जीसस के बारे उसने सुना था। तो ये औरत 12 साल से घर का अंदर में है, कंडीशन खराब है, पैसे खर्चे हो गए हैं, पूरा खत्म, ठीक है। और ये औरत घर में बैठी है, लेकिन वचन में लिखा है कि ये जीसस के बारे में सुनती है, उसने ईसा मसीह के बारे में सुना। तो क्या ईसा मसीह, यीशु मसीह कर रहे थे चंगाई, कर रहे थे ना सब जगह में, अंधों को आंख दे रहे थे, आंख खुल रहा था, जो लंगड़े थे वो चलने लग रहे थे, जो कान से बह रहे थे उनके कान खुल गए थे, जो मर गया था लाजरस उसको क्या किया, जी उठा दिया, जिंदा किया। तो इस सब के बारे में
उस औरत को खबर मिली। हो सकता है कि जब लोग जीसस जब भीड़ इकट्ठा होते थे उसके साथ और लोग पीछे पीछे जाते थे, तो वो लोग प्रभु यीशु की बारे बात करते थे, स्तुति करते थे, और ये औरत घर में बैठ के वो सुन रही है। हो सकता है किसी ने उसको बाहर से ये भी बोला होगा कि यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन ये औरत ने सुना। बोलो, सुना। सुना। इस औरत ने किसके बारे सुना? यीशु के बारे में सुना कि यीशु क्या कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। हालेलुया। अभी ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो लिखा है ना अभी यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आप क्या बोलता है, सही लिखा है कि गलत? जरा पढ़िए ब्रदर 27। उसने और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। ये स्त्री यीशु का बारे सुनती है, जो 12 साल से रक्त का बीमारी में है, घर का अंदर कैद है, घर में पड़ी हुई है। ये यीशु के बारे सुन के पीछे से आती है और क्या करती है? कपड़ा को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अच्छा, अभी सोचो, एक स्त्री जिसको 12 साल से रक्त का बीमारी है, उसका हालत कैसा होगा? लेकिन यहाँ बोलता है वो आके पीछे से खड़ी हो गई, छू ली। हालेलुया, जैसे तैसा जाके छुआ होगा, ऐसा उसको अपना जान का खतरा नहीं है? जान खतरा है, छूने से आप चंगा ही हो जाएगा। अगर उसको, अच्छा चलो, आप बोलते हैं उसको जान का खतरा नहीं है, वो बोला हम ऐसे छुएगा तो हम चंगा हो जाएगा। हाँ। अभी वो औरत को 12 साल से रक्त का बीमारी है, उसका शरीर में कितना ताकत है बिस्तर से खड़ा होने के लिए? भीड़ के बीच में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या एक स्त्री जिसको 12 साल से रक्त का बीमारी है, क्या उसका पास में ताकत रहेगा खड़ा होने का? अभी अभी हम आप औरत लोग को पूछते हैं, अगर ऐसा कोई तकलीफ होता है तो क्या हम लोग उन खड़ा रह सकते हैं ज्यादा देर? बैठने का मन करेगा, लेटने का मन करेगा, ताकत रहेगा उठ के घर का काम करने के लिए? प्रभु का आत्मा उसको बुलाया होगा, ताकत लगा के ऐसे होगा चंगा। वहाँ तो लिखा नहीं है प्रभु का आत्मा उसको बुलाया। नहीं बुलाया, लेकिन हालेलुया। देखो 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 देखो, हमको ये समझना है कि एक ऐसा औरत जिसको 12 साल से रक्त का बीमारी है, जो शरीर से कमजोर है, जो आत्मा से कमजोर है, जो मन से टूटा हुआ है, उसका पास में कितना सामर्थ हो सकता है उठ के खड़ा होके बाहर आने के लिए? इम्पॉसिबल। उसको 12 घंटा से नहीं था वो दर्द, वो तकलीफ, उसको कितना साल से था? 12 साल से। तो सोचो, 12 साल से किसी को रक्त का बीमारी है, उसका शरीर का हालत कैसा रहेगा? हड्डी ही बचा रहा होगा, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं। जरा पढ़िए ब्रदर क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से रुको और कहां पे? भीड़ में। अच्छा, एक एग्जांपल देता है ब्रदर, आप आ सकते हैं थोड़ा देर के लिए? अभी ये मेरा ब्रदर है, ठीक है। अभी हम लोग आया है
प्रभु का पास में अपना अपना मकसद से, चंगाई लेने के लिए, इसको कुछ चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए, हम लोग सब भीड़ में है, ठीक है। कैसा था वहां पे लिखा? भीड़ में, भीड़ में। अभी ये तो हम लोग बहुत थोड़ा आदमी लोग है ना, जीसस का टाइम में भीड़ जब रहता था वो हजारों का तादाद में रहता था, 8,000, 10,000, 6,000 लोग उसका पीछे पीछे जाता था, पूरा का पूरा गांव उठ के जाता था, ठीक है। और वचन बोलता है भीड़ में ये स्त्री उठ के आती है और कहां से? पीछे से आके कपड़ा को छूती है, ठीक है। अभी अभी उदाहरण, अभी हम लोग भीड़ है, ब्रदर होल्ड टाइट, हाँ जोर से पकड़ना, एकदम जोर से, ठीक है, जाने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी वो सिस्टर है ना वेरोनिका, आइए सिस्टर, अभी 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 ये है सिस्टर, ठीक है। सोचो ये वो स्त्री है जिसको बीमारी है, क्या था बीमारी, कितना साल से? 12 साल से। अभी ये भीड़ में आता है उठ के, ये पार होने सकेगा? चलो तो देखते हैं। हालेलुया, ये पार होने सका? थैंक यू ब्रदर, अच्छा भीड़ था। हालेलुया, अभी सोचो सोचो इतना भीड़ में एक स्त्री जिसको 12 साल से रोग है रक्त का, क्या वो अपना खटिया से उठ सकता है? नहीं। खटिया से उठना तो छोड़ो, भीड़ में आने का हो ही नहीं सकता, लेकिन वो आया। अभी सवाल ये है कि वो उठा कैसे? उसको विश्वास था कि चंगाई मिलेगा, तो उसको विश्वास अगर इतना साल से था तो हुआ क्यों नहीं? उस समय में जो भीड़ समय में खबर मिला, इसलिए वो जैसे तैसे। हालेलुया, सुनो 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 सुनो, जैसा तैसा नहीं होता है कुछ भी, जैसा तैसा नहीं होता है। तो अगर जैसा तैसा उसको उठने का था तो इतना पैसा खर्चा किया वैद्य का पास में, जैसा तैसा ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन हालत क्या हुआ? और भी ज्यादा खराब। देखो देखो ये एक ऐसा रहस्य है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो वो स्त्री को उसका खटिया से उठा के भीड़ का बीच से लेके आके यीशु तक उसको पहुंचाया। पवित्र आत्मा से उसका विश्वास, हम चंगाई हो जाएगा, सब पूरा सफिशिएंट, फुल जैसे भी हो, फुल कॉन्फिडेंस है उसे आया। अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस है तो आप फिर हम लोग क्यों नहीं वो पूरा फुल कॉन्फिडेंस यूज करता है सब में? आधा मर के बैठ गया, अब इस यीशु का आवाज सुन करके वो ही हमको बचा। सुनो, ये औरत घर में पड़ा हुआ है, हालत खराब है, लेकिन इसने सुना, कोई उसको प्रभु का वचन बताया, कोई उसको प्रभु यीशु का कार्य बताया और वो सुना। अभी जब डॉक्टर का रिपोर्ट आपको मिलता है ना, आप वो डॉक्टर का रिपोर्ट घर लेके आता है और मान लो रिपोर्ट में लिखा है कुछ गड़बड़ है, 4 दिन का मेहमान है, तो अभी वो डॉक्टर आपका साथ में घूम रहा है रोज? ओ हॉस्पिटल में अपना काम कर रहा है। वो दारी छोड़ देगा डॉक्टर, डॉक्टर रिपोर्ट देके बेच देता है। तो क्या अभी आप दिन भर जब जब वो रिपोर्ट को देख रहा है, क्या वो रिपोर्ट आपसे बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या वो रिपोर्ट आपको बार बार याद दिला रहा है? जो याद दिलाता है ना उसको बोलता है बात करना, ठीक है। टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, घर का रेंट, भाड़ा देना है, याद बात कर रहा है? जब जब मकान मालिक को देखता जाता हुआ, तो मकान मालिक कुछ बोलता भी नहीं है लेकिन भाड़ा देना है, मकान मालिक को मुंह भी नहीं खोला लेकिन मकान मालिक को देख के याद आ गया, अरे भाड़ा देना है, पैसा नहीं है अभी, कब देगा, बात करता है? करता है। उसी तरह से हम परमेश्वर का वचन भी हमसे बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा,
अभी यहाँ पे लिखा है, पढ़िए जरा उस वचन को 27। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। दूसरा नेक्स्ट, क्योंकि अभी अभी बराबर ध्यान देके सुनना क्योंकि वह मन ही मन कहती थी। क्योंकि वह मन ही मन क्या करती थी क्या कहती थी? पढ़िए, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाएगी। क्या कहती थी वो? अगर मैं यीशु का कपड़ा को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। क्या पे ऐसा लिखा है कि वो प्रार्थना करती थी? नहीं। क्या ऐसा लिखा है कि वो सोचती थी? क्या लिखा है? वह कहती थी। जोर से बोलो, वह कहती थी। अच्छा, हालेलुया। अभी वचन में लिखा है, हम उसमें जाएंगे नहीं, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ ताकि आप लोग बाद में घर जाके पढ़ना, जेनेसिस चैप्टर 1 में, ठीक है, उत्पत्ति का ग्रंथ में लिखा है। हालेलुया। अभी अभी हम लोग लंच ब्रेक में जाने से पहले हम लोग एक देखेंगे, एक ऐसा चमत्कार जो स्त्री के साथ हुआ, वो सेम चीज़ आज इसी वक्त यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे और जो स्त्री ने किया उसका अनुसार हम काम करेंगे। इसी के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? हालेलुया। अच्छा, अभी जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, है ना, ये संसार को बनाने का पहले पूरा दुनिया कैसा था? अंधेरा था, कुछ नहीं था, है ना, और खाली था सब। तो परमेश्वर क्या बोला? उजियाला हो जाओ। क्या बोला परमेश्वर? उजाला हो जाओ। और वचन बोलता है कि जब पृथ्वी बेडौल था, पृथ्वी का कोई आकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, सृष्टि कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ अंधेरा था, लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो मंडरा रहा था ऊपर, मूव कर रहा था, मंडरा रहा था, ठीक है। और जैसे ही परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने देखा अंधकार है तो उसको चाहिए उजियाला, तो उसने क्या बोला? उजाला हो जाए। अभी अगर हम लोग का घर में करंट चले जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? करंट चला गया, है ना, जो हम लोग को दिखता है हम लोग वही बोलता है। हम लोग का शरीर में अगर कुछ दर्द है तो हम लोग बोलता है बीमार है, लेकिन प्रभु का सिस्टम क्या है? प्रभु जब कोई समस्या को देखता है, अंधकार समस्या था उसके लिए, परेशानी था, है ना, तो जब उसने परेशानी को देखा, प्रॉब्लम को देखा, तो उसने प्रॉब्लम को नहीं बोला बल्कि क्या बोला? उजाला हो जाए। तो हम लोग जब अपने आप को बीमार देखता है तो हम लोग क्या बोलता है? हम लोग बीमार है, लेकिन प्रभु बोलता है जब तक बोलेगा बीमार है वही रहेगा। अपना शब्द को बदलो और बोलो हम यीशु का मार खाने से चंगा हो गया है। तो जैसे ही प्रभु बोलता है उजियाला हो जाए, ये पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, जैसे ही प्रभु का मुंह से शब्द निकला उजियाला हो जाओ, ये पवित्र आत्मा जाके उस शब्द का अनुसार काम किया और उजियाला लेके आया। समझ में आ रहा है? ये तब तक वहीं पे मंडरा रहा था, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर का शब्द बोला नहीं जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आपका साथ और मेरा साथ काम करने के लिए मेरा शब्द का बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है,
क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को जो अधिकार दिया है वो हम लोगों का जबान, हम लोगों का शब्द में दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है, जिस बात का आपको डर रहा है वही आपके साथ हुआ? आप लोग सोच रहा होगा अभी बारिश नहीं होना चाहिए, हम जाएगा बाजार काम करने के लिए, जैसे ही सोचा बारिश नहीं होना चाहिए, धड़धड़ 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 बारिश चालू हो गया। हुआ ऐसा? बच्चे लोग सोचा होगा हमको ये पेपर में, ये एग्जाम में फेल नहीं होना है, हम कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएगा, फेल हो गया। होता है कि नहीं? जो बात का डर रहता है वो होता है, है ना? क्योंकि जब हमको डर लगता है हम लोग वही शब्द को बोलता है इस तरह से, कहीं हम लोगों का रास्ता खराब ना हो जाए, कहीं ट्रैफिक ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग को संसार ने वैसे ही तरीका सिखाया है बचपन से। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी अभी ये औरत जो शरीर से इतना कमजोर है, खटिया से उठ नहीं सकता है, उसका शरीर का पूरा हालत खराब है, ये औरत उठती है, खड़ी होके भीड़ में से चल के आके यीशु का कपड़ा को छूती है। तो ऐसा क्या हुआ? पढ़िए ब्रदर। उसका नहीं 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 28 क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा, अभी ये सिस्टर, ये औरत घर में है बीमार, और ये सोच रही है कि ये मन में सोच रही है और मुंह से कह रही है कि यदि मैं प्रभु यीशु का कपड़ा को छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं चंगी हो जाऊंगी। अच्छा, अभी ये औरत अगर भीड़ में निकलती है तो भीड़ में लोगों को अगर पता चलता है कि ये रक्त का बीमारी से पीड़ित है तो सब लोग उसको पत्थर से मारेंगे। क्या अगर ऐसा ख्याल किसी का मन में आएगा, क्या वो घर से बाहर निकलने का हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। अगर मान लो आपको पता है कि अगर आप जाएंगे बाहर तो आपके ऊपर में अटैक हो सकता है, लोग आपको पत्थर मार के खत्म कर सकते हैं, क्या आपका मन में उठ रहा वो डर आपको अलाउ करेगा गेट से बाहर जाने के लिए? नहीं करेगा। क्या बोलेगा? डर का मारे बैठे रहो यहीं पर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये वचन में लिखा है कि इसको किसी ने यीशु के बारे में सुनाया, यीशु के बारे में बताया, तो बीमार जब वो थी वैद्य इसको बोलने लगा ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसा करो वैसा करो, अभी उसका मन में क्या आ रहा है? डर। दूसरा तरफ यीशु मसीह का वचन है, वचन से क्या मिलता है हम लोगों को? चंगाई मिलता है। चंगाई मिलने से पहले वचन का सबसे पहला काम है मेरा अंदर विश्वास डालना। मेरा अंदर क्या डालना? विश्वास। मेरा अंदर विश्वास डालना, क्योंकि अगर मेरा पास विश्वास नहीं है, अगर मेरा पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो मेरा पास विश्वास नहीं है। एक तरफ डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट बोलता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, दूसरा तरफ प्रभु यीशु का रिपोर्ट बोलता है मेरा मार खाने से तुम चंगा हो गया, दोनों में से किस में विश्वास आएगा? जो प्रभु यीशु बोलता है, है ना? तो आप जितना समय प्रभु यीशु का वचन में बिताएंगे, उसके अनुसार सोचेंगे और उसके वचन को बोलेंगे, अब बढ़ रहा है क्या? विश्वास, विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन बोलता है कि ये औरत कहती गई, वो कहती गई यदि मैं प्रभु यीशु का कपड़ा को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी 12 साल से ये औरत का नल बंद था विश्वास का, बंद था उसका नल बंद था, क्योंकि वो 12 साल से जो डॉक्टर बोल रहा था उसका पर ध्यान दे रही थी, और उसका मुंह से कुछ भी शब्द जो निकल रहा था वो क्या था? बीमार है। वो 12 साल में कोई भी आके उससे पूछा होगा कैसी हो बहन, तो वो क्या बोली होगी? वैसे ही है, 12 साल से वैसे ही है। तो उसने नल खुला रखा था या बंद रखा था? नल बंद रखा था। जैसे ही उसने यीशु का बारे बात सुना, उसका कार्य का बारे सुना,
अब उसने क्या किया, नल को खोला। नल कैसे खोला उसने? नल कैसे खोला उसने? मुंह से कहकर। पढ़िए जरा 27th वर्स फिर से। वह मन ही मन, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी वह कहती थी। हमारा ये हिंदी बाइबल में लिखा है मन ही मन ना, लेकिन हमारा इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो कहती थी। वो अपना मुंह खोल के कहती थी, वो अपना मुंह खोल के बोलती थी, अगर मैं यीशु का कपड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बोलती थी। तो उसने किसको खोला? विश्वास का नल को। क्या पवित्र आत्मा उसका साथ मौजूद था? पवित्र आत्मा हम सब का साथ मौजूद रहता है हमेशा, लेकिन पवित्र आत्मा को काम पे लगाना या पवित्र आत्मा को रोक के रखना, ये डिसाइड करता है हमारा मुंह, हमारा शब्द, हमारा जबान। विश्वास है, लेकिन वो विश्वास को बाहर कैसे निकालना है? विश्वास को वैसे ही बाहर निकालना है जैसे आप डर को निकालते हैं। आप डर कैसे निकालते हैं? अपना मुंह से शब्द बोल के। जिस बात से डरते हैं उसको बोलते हैं। बच्चा यहाँ चल रहा है, आप बच्चा को बोलते हैं अरे धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाएगा। क्यों? आपको डर है कि वो गिर जाएगा। आपने वो डर को कैसे बाहर निकाला? आपने वो डर को अपना शब्द के द्वारा बोलकर निकाला। उसी तरह से विश्वास को आप कैसे बाहर निकालते हैं? विश्वास को आप अपना शब्द के द्वारा बोलकर निकालते हैं। और ये औरत अपना विश्वास को क्या करने लगी? निकालने लगी बाहर। ये कहने लगी, वो कहती गई, अगर मैं प्रभु यीशु का कपड़ा को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं प्रभु यीशु का कपड़ा को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी नल खोला विश्वास का, मुंह खुला, तो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। जैसे जैसे उसने बोलते गई मैं प्रभु यीशु के कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अब पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य देता है बिस्तर से उठने के लिए। मैं प्रभु यीशु के, वो क्या बोलने लगी? प्रभु यीशु का कपड़ा को मैं छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, प्रभु यीशु का कपड़ा को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अब पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य दे रहा है, उसको खटिया से खड़ा कर रहा है। सोचो वो 12 साल से बड़ी पड़ी हुई है, उसको तो वो कैसे कपड़े में रही होगी, वो ऐसे हालत में तो बाहर नहीं जा सकती, उसको कपड़े पहनने पड़े होंगे, उसको अच्छे कपड़े पहनने पड़े होंगे, उठ के खड़े होके उसको बाहर तक निकलना पड़ा। अभी गेट तक तो पहुंच गई है, अभी गेट से उसको कहाँ जाना है? भीड़ पार करना है, क्योंकि यीशु भीड़ का किनारे नहीं था, वो भीड़ के बीच में था। क्या वो सिस्टर पार होने सकी? तो सोचो ऐसे हम लोग तो 2 लोग थे और वहां पे कितने थे? 1000। लेकिन जब आप अपना मुंह खोलते हैं और विश्वास को रिलीज करते हैं, विश्वास को बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपका साथ काम करना चालू करता है और आपका जीवन में जो जो दरवाजा बंद है उसको खोलता है। हालेलुया। अब जैसे जैसे वो बोलती गई ऐसे वचन में नहीं लिखा कि वो रुक गई, वो कहती गई, मतलब वो बिस्तर से खड़ी हुई वो बोल रही थी, बिस्तर से उठने का पहले भी वो बोल रही थी, कपड़ा पहनते टाइम भी वो बोल रही थी, चल के जब वो जा रही थी बिस्तर से उठ के गेट तक भी वो बोलती गई। और बोलते 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 क्या किया? पवित्र आत्मा उसके लिए सामर्थ्य से उसको इतना भरा कि उस वो भीड़ में उसके लिए जगह बनाने लगा और उसको सीधा ले जाकर कहाँ पे रखा? प्रभु यीशु का पास। और जैसे आगे पढ़िए ब्रदर। उसका रक्त स्राव उसी क्षण सूख गया। उसका रक्त क्षण क्या हो गया? सूख गया। तुरंत हुआ कि बाद में हुआ? तुरंत हुआ। सूख गया, उसी क्षण सूख गया, तुरंत सूखा, उसी क्षण सूख गया। फिर और उसने अपने शरीर में
अनुभव किया, अनुभव किया कि मेरा रोग, उसका रोग दूर हो गया है, दूर हो गया है। फिर ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ। हाँ, अभी जीसस को पता चला क्या हुआ कि किसी ने उसको छुआ है ना। किसी ने उसको छुआ क्यों? और वो जैसे उसको पता चला कि किसने उसको छुआ, वो तुरंत मुड़ के पूछता है, कौन मेरे को छुआ, कौन मेरे को छुआ। अभी जीसस क्या एक आदमी के साथ चल रहा था या दो आदमी के साथ चल रहा था? क्या भीड़ के साथ चल रहा था? हाँ, पढ़िए आगे क्या लिखा है। उनके शिष्यों ने उनसे कहा आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है। तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। अभी जीसस भीड़ में चल रहा है, किसी ने उसको आके छुआ और उसको पता चला कि किसी ने छुआ है। अभी जीसस घूम के पूछता, कौन मेरे को छुआ, शक्ति निकाल दिया, कौन मेरे को छुआ। और उसका चेला लोग बोलता है, प्रभु इतना बड़ा भीड़ में हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि किस कौन आपको छू रहा है, इतना भीड़ है कि नहीं। लेकिन जीसस को पता चला कि किसी ने उसको छुआ। कैसे पता चला? क्या बोला वो? क्योंकि उसको उसने महसूस किया कि उससे उसका शक्ति निकला कहीं। अभी भीड़ में कितना लोग उसको छू रहा होगा, है कि नहीं, छू रहा था कि नहीं, छूरा था। भीड़ में चढ़ने से ऐसा होता है ना, धक्का धुकी, तो कितना लोग उसको छू रहा था। क्या यीशु से सामर्थ निकल रहा था सबके लिए? नहीं। किसके लिए निकला? वो औरत के लिए। क्यों सिर्फ वो औरत के लिए निकला और किसी के लिए नहीं निकला? क्योंकि वो विश्वास करके कह रही थी, उसने अपना नल को खुला रखा था। बाकी लोग का नल खुला था? नहीं, बंद था, इसी के लिए कुछ नहीं मिला। समझ में आ रहा है? जी। तो हम लोग अपना विश्वास को कैसे खोलता है? हम लोग अपना विश्वास को शब्दों के द्वारा खोलता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए, आप उनकी बेटी है, आइए आप भी। माँ और बेटी, लाइट, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अच्छा, कान में तकलीफ है? कान में हाँ, अब पूछिए क्या तकलीफ है। उफ खंडा ना दाचे सुनाई नहीं दा, माना दा ये नहीं दर्द तो नहीं है, लेकिन कुछ एकदम झुन करके सुनाई नहीं दे के, जो आवाज है उस कान तक नहीं पहुंच के, वहां से फिर बाहर चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। अभी आप सुन रही थी जो सिखाया जा रहा था, है ना। वो स्त्री कहती गई क्योंकि उसने सुना। अभी हम लोग सुन रहे थे विश्वास के बारे में, है ना, विश्वास के बारे में। तो जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास को शब्दों के द्वारा निकालते हैं, क्या वो विश्वास मेरे लिए काम करेगा? करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो यहाँ मौजूद है, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम अपना मुंह से उसका शब्द को नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप अपनी उंगलियों को इनके कानों में डालेंगी। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। आपको अंदर ऐसे घुसाना है उंगली, ऐसे घुसा के जोर से ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे, दोनों उंगलियों को, हाँ, अंदर माँ का कान में ऐसे अंदर डालना है और ऐसे करके ऐसे करना है।
ठीक है, झटका देके, झटका देके, झटका, इसको थोड़ा खोल सकते कान खुलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, दोनों दोनों रुको, मैं बताती हूँ। रखो रखो, उंगली रखो, आंखों को बंद करो, आप भी आंख को बंद कीजिए। आप इनको बोलो, आप इनको अपना लैंग्वेज में बोलो कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना भाषा में प्रार्थना करना। मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप अपना भाषा में करना ताकि इसको समझ में आए। और अपनी मम्मी को बोलो कि जब प्रार्थना हो रहा है तो वो यीशु को क्रूस पर देखे अपना मन में। अन्या बामा हे प्रार्थना दो सामा प्रार्थना दंगो सा बज्र बालुगे अश्मतोग्यो ई क्रॉस ई मा बा अना वे वे न्यो हो इस न चिवा मा। बोलिए स्वर्गीय पिता, तोग्यो आवा, आज मैंने पहली बार यो नो रोमाश आपके वचनों से सीखा बा वचन योगो हे दाहुं कोई में कि विश्वास हे उमसो बा भरोसा विश्वास तो ये आपका वचन से आता है बा वचनों का हवाहों में और यही विश्वास सयो हे विश्वास ये शब्दों के द्वारा शब्द हे न्यूजो ये ट्रियो कार्य करता है काम दो में यीशु मसीह आपने मुझे ताकत दिया है कि जो काम आप करते हैं काम आप करते हैं वो काम मैं भी कर सकती हूँ वो काम मैं भी कर सकती हूँ ऐसा आपने कहा है और मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से ये बहरेपन का आत्मा अभी इसी वक्त मेरे माँ के कान से निकल यीशु मसीह आपका वर्ड आपका वचन सत्य है। धन्यवाद यीशु मसीह इसके कान का ईयर ड्रम बिल्कुल नया हो गया है बिल्कुल नया बन गया है जो भी नस दबा हुआ था वो खुल गया है पवित्र आत्मा के सामर्थ से इनका कान पूरी तरह से खुल गया है जो आवाज आता था वो हमेशा के लिए बंद हो गया है और मेरी माँ पूरी तरह से साफ साफ शब्द सुन सकती है हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपका वचन सत्य है और हम आपको धन्यवाद देते हैं इस महान चमत्कार के लिए आमीन थैंक यू जीसस चलो अभी आप कुछ बोल के पूछो उसको सुनाई दे रहा है उसको बोलो सुनाई दे रहा है पूछने क्या बोल रही वैसे ही है बोला अच्छा इसको आँख को बंद करने बोलो और ये आप उसको बोलने बोलो धन्यवाद यीशु आपका भाषा में बामा तो गयो ए धन्यवाद यीशु चो वचो धन्यवाद यीशु आपका घाव से हम चंगा हो गया मेरा कान खुल गया है यीशु मसीह का चोट खाने से धन्यवाद यीशु मेरा कान खुल गया है 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 धन्यवाद यीशु आपका नाम क्या है मेरा नाम किजन जेम्स आपने आज खाना खाया आज आपने खाना खाया जी ट्रांसलेट हालेलुया क्या आपका शादी हुआ है
वन मिनट आप उधर आप उसका लैंग्वेज आप अपना लैंग्वेज में उसको मम्मी को सवाल पूछना ठीक है. आई विल टेल यू इन हिंदी. आप अपना आँख को बंद करिए. कितने बच्चे हैं पूछो. मीम सपम मुखसा ए बामु बामु को नहीं हवा नीमा सब बराबर बोल रही. बराबर 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 प्रेज गॉड. हालेलुया 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 खुलिया. आस्कर हु ओपन द इयर्स ऑफ दिस गर्ल. अभी अच्छा से बात एको ने मेरा बच्चे सबसे बड़ा वाला लड़की सबका बड़ा वाला लड़की कौन खोला आपका कान. बफू जु दखा द चो जु अना दखा द चो. प्रभु ने प्रभु ने इसका हाथ का इस्तेमाल किया और आपका कान को खोला. क्यों मालूम है? क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है. हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस. तो ये खोल सकती है कि हम सब खोल सकते हैं. खाली ये खोल सकती है कि हम सब खोल सकते हैं क्योंकि आप सब ने बोला कि आपके पास में विश्वास है ना जी. और वचन सुन रहे हैं बैठ के तो वचन भी आ रहा है. वचन जब बोल रहा है और विश्वास उससे बढ़ रहा है तो प्रभु यीशु क्या बोलता है? जो विश्वास करता है वो सब काम कर सकता है जो यीशु ने किया और सिर्फ वही नहीं बल्कि उससे भी महान काम कर सकता है. अच्छा, चाय का समय था. अब हमारे पास आए और बोले मेरे माँ के लिए प्रार्थना करना. वो नहीं सुन सकती ठीक है ना. हमने क्या बोला? ये सिस्टर ने खोल देगा. एक सिस्टर खोलेगी बोला. फिर वो सिस्टर ने क्या किया? आपको वचन समझाया. विश्वास कैसे कार्य करता है वो समझाया. अब उन्होंने जब आपको बुलाया आपने उसको क्यों नहीं बोला आप प्रार्थना करो? हम सोच वचन सुनते सुनते सोचा सिस्टर ने हमसे ही ये सब कार्य करवाएगा होगा तो विश्वास प्रभु का ऊपर में हो के ना उसी का द्वारा तो, से तो आपने जैसे उन्होंने सीखा है वैसे ही किया. हाँ वैसे ही किया और वचन में जो लिखा है वही बोला. क्या उन्होंने आपको बोला ए प्रभु इसकी कान खोल दे? क्या आपने सुना ए प्रभु इसकी कान खोल दे? अपोस्टल लोग ने कभी यह प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु इसकी कान खोल दे इसको चंगा कर दे. अपोस्टल ने अधिकार लिया और बीमारी को बोला निकल जाने के. सुन रहे क्या आप? विश्वास की प्रार्थना यह है आप बीमारी पर शैतान के हर कार्य पर अधिकार लेते हो और बोलते हो जड़ से उगड़ जा और जाकर समुद्र में गिर जा. और यह अधिकार हम सबको दिया है. खाली फर्क यह है क्योंकि हमने कभी सुना नहीं ना जानता है तो प्रभु का वचन कहता है मेरे लोगों को नाश करता है शैतान. किधर ने लिखा है?
बाइबल में लिखा है मेरे लोगों का सर्वनाश होता है क्योंकि उनको मेरे ऊपर ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, सत्य नहीं जानता है, इसीलिए शैतान जीतता है। अभी ये जानकारी होने के बाद आप वापस उसके पास आएगी बोलने के लिए मेरी माँ के लिए प्रार्थना कर? नहीं, अभी तो विश्वास करते हैं, खुद से अभी खुद करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम सबको अधिकार दिया है और हम सबको अधिकार वापरना है, और जब हम रोज वापरते हैं तो हर रोज हमारे पीछे जैसा धूप में परछाई आती है वैसा चमत्कार हमारे पीछे रोज आता है। हमने आपको क्या बोला था, हम इस दरवाजे के बाहर नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए, आपको पहला चमत्कार दिखाएंगे, और किसके हाथों से, आप ही के हाथों से। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि हमारा जो रिश्ता है यीशु के साथ, उसने जो वादा दिया है वो अवश्य पूरा करता है, और इसी को बोलता है इब्राहिम का विश्वास। और एक आदमी है बाइबल में जिसका नाम है थॉमस। सारे शिष्यों ने कहा थॉमस से, हमने यीशु को देखा, यीशु मर के जिंदा हुए तो शिष्यों ने बोला हमने यीशु को देखा। थॉमस ने क्या बोला, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं छूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करेगा। और 8 दिन के बाद प्रभु यीशु आए और थॉमस को बोला इधर आओ, मुझे छू लो और देखो। तो थॉमस ने क्या बोला, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु ने थॉमस से कहा, तुमने मेरे पर विश्वास किया क्योंकि तुमने मुझे देखा है, धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं है लेकिन मेरे पे विश्वास करते हैं। आप बताइए, आपका विश्वास इब्राहिम का विश्वास है कि थॉमस का विश्वास है? जो थॉमस का विश्वास है, प्रभु यीशु बोलता है वो धन्य हो नहीं सकता है, और जो इब्राहिम का है वो बोलता है प्रभु यीशु आपने जो वचन में बोला है उसी विश्वास से मैं मेरी जिंदगी चलाऊंगा। और वही थॉमस जब उसको पता चला कि धन्य वे लोग जिन्होंने देखा नहीं है लेकिन प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास किया है, वही थॉमस बाद में देखी हुई चीज पर नहीं प्रभु के वचनों से देखकर विश्वास करता है, और वही थॉमस अपोस्टल हमारे भारत देश में भी आया। तो आज आपको प्रभु ने वचन भी सिखाया, विश्वास का अर्थ भी सिखाया। अब सवाल ये होता है कि आपने कितना उसको सीखा, उसको प्रैक्टिस किया, तो आपके जीवन में हम जरूर सुनेंगे फादर से कि लोग जा रहे हैं, जो लोग के घर में बीमार है हाथ रखते हैं और वचन बोलते हैं, प्रभु आप ही ने कहा है आपके घावों से हम भले चंगे हुए हैं, तो यही हम कहते हैं ये व्यक्ति भला चंगा हो गया है। और जब हम वो शब्द कहते हैं वो विश्वास के शब्द से होता है चमत्कार। और याद रखिए ये अधिकार हम सबको दिया है, कुछ लोगों ने सबको दिया है, जो गिफ्ट होता है ना पवित्र आत्मा का गिफ्ट, वो अलग अलग लोग को अलग अलग दिया जाता है, लेकिन वचन तो सबको दिया जाता है। और ये जो चंगाई है ये हीलिंग गिफ्ट से नहीं होती है, ये वचन के प्रचार से होती है। अब ये जो हुआ ये आपको हीलिंग गिफ्ट से नहीं हुआ, वचन समझा, वचन समझकर विश्वास किया, विश्वास से कार्य किया। अब तुम बोल सकता है ए प्रभु जैसे आपने कहा हमारे विश्वास से मेरी माँ ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या प्रभु से जोर से ताली बजा के धन्यवाद देंगे? और हो सके, और हो सके तो फोन कीजिए, क्योंकि लंच के बाद हम पढ़ाने वाले हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अन्न भाषा, ये बहुत बड़ा वरदान है। पेंटिकॉस्ट के दिन खाली एक ही वरदान उतरा, टंग्स ऑफ फायर, जिसको हम बोलते हैं मास्टर की। उस मास्टर की से पेत्रुस जो छुपा था डर से बाहर आके प्रवचन करने लगा,
वही पेत्रुस और युआन जाके जो व्यक्ति अपंग था उन लोग की हीलिंग मिनिस्ट्री चालू हुई, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री चालू हुई, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल उसमें पूरा का पूरा पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में दिखाया है। और इनको अभिषेक कितने बार मिला? एक बार। और एक बार मिला जो यीशु ने कहा तुम इस जेरूशलेम को छोड़ के मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा साथी भेजूंगा जो मेरे जैसा ही है और वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और जूने काल में पवित्र आत्मा आता था किसी के ऊपर और जाता था, नए टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता है, हमारे अंदर आता है और हमारे आत्मा के साथ एक बनता है हमेशा हमेशा के लिए। वो उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें त्याग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा हमेशा के लिए। तो हमको हमेशा मालूम है पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा है और वो खाली हमारा इंतजार कर रहा है कि हम विश्वास के शब्द बोले या डर के शब्द। अब इस बिटिया ने इस बिटिया को क्या सिखाया? विश्वास के शब्द। ये नहीं सिखाया ए प्रभु इसको चंगा कर दे, विश्वास के शब्द विश्वास का कार्य कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आप मोबाइल पे फोन करो खाना खाने के टाइम और बोलिए आपके साथी को आपके दोस्तों को आइए, क्योंकि ये जो वरदान है बहुत बहुमूल्य वरदान है, इससे आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल बदल जाता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है फादर जी, जस्ट मेक थैंक्स गिविंग। हम लोग खड़े हो जाएंगे अभी छोटा सा लंच ब्रेक।